जय गौ माता की, जय भारत माता की। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि माँ भगवती की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं अंशुमन शर्मा, आप सबका अपना चैनल ज्योतिष साधना केंद्र पर आप सबका स्वागत करता हूं। और आज एक नए विषय को लेकर आप लोगों के समक्ष आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विषय क्या है दोस्तों? विषय है मांगलिक। जी हाँ, नाम सुनते ही शायद आप लोगों की धड़कनें बढ़ गई होंगी, क्योंकि ये भ्रम जाल फैलाया ही इस तरीके से गया है कि मांगलिक दोष को लेके सुनने से ही चिंताएं बढ़ जाती हैं। चलिए आइए इस चिंता को दूर करने का प्रयास करते हैं। और यदि आप वाकई में चिंता से दूर होना चाहते हैं तो आप संपूर्ण वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। और दोस्तों, यदि आप इस समय पे किसी भी सोशल मीडिया साइट पर आप इस वीडियो को इस समय पर देख रहे हैं, संपूर्ण जानकारी आपको केवल YouTube पर ही प्राप्त होगी। ज्योतिष साधना केंद्र नाम से आप चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे की और भी जानकारियां आप तक पहुंच पाएं। क्योंकि हमारा विषय केवल एक ही है, सनातन धर्म का प्रचार करना। और सनातन धर्म में जो भ्रमित स्थितियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उन सब को दूर करके सौभाग्य के साथ हम सब आगे बढ़ें और किसी को भी भ्रम में ना रहने दें, ना स्वयं भ्रम में रहे, ना दूसरे को भ्रम में रहने दें। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, आइए इस विषय पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जी हाँ, मांगलिक दोष दोस्तों एक ऐसा विषय है जो आपने सुना होगा, क्योंकि परिवार में कोई ना कोई सदस्य, कोई बच्चा बड़ा मांगलिक जरूर मिलता है। और जैसे ही ये शब्द सुनने को मिलता है तो अनेकों प्रकार की भ्रांतियां जो है सुनने को भी मिल जाती हैं कि मांगलिक पैदा होने से ये हो जाता है, मांगलिक लड़की की ज़रूरत होती है। तो माँ बाप जैसे ही बच्चे को जन्म देते हैं वो चिंताओं से भर जाते हैं कि अब हमारे बच्चे का क्या होगा, क्योंकि इस मांगलिक सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया गया है, इस योग को दोष में बदल दिया गया है, क्योंकि भ्रांतियां ही इतनी ज़्यादा सुनने को मिलती हैं। अब बिना ज्ञान के यदि किसी को भी कुछ भी बता दिया जाए तो वह उसी प्रकार से उसको सुनने का प्रयास करता है जिस प्रकार से सामने वाले द्वारा उसको बताया गया है। तो दोस्तों, ये दोष नहीं है, एक योग है, और ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोग मांगलिक पैदा होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सभी के सभी मांगलिक होते हैं। कुछ लोगों का मांगलिक दोष जन्म के साथ ही समाप्त हो जाता है और कुछ लोगों के लिए मांगलिक लड़की का होना जरूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी के लिए मांगलिक लड़की का होना जरूरी है या लड़के के लिए मांगलिक लड़की का होना जरूरी है। प्रथम स्थान, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, यदि इन स्थानों में मंगल की उपस्थिति मिलती है तो मांगलिक योग से वो बच्चा पूर्ण हो जाता है। परंतु उसके साथ में यदि कोई अन्य ग्रह जैसे कि सूर्य, राहु, शनि यदि उपस्थित है मंगल के साथ तो मांगलिक योग दूर हो जाता है, यानी कि प्रभावहीन हो जाता है। ऐसा भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन इस चीज पर ज्यादातर गौर नहीं किया जाता, केवल यह देख लिया जाता है कि यदि इन स्थानों में मंगल बैठा हुआ है तो मांगलिक दोष से बच्चा दूषित हो गया और दोष का भी इसको रूप दे दिया गया है। ये एक योग है और ये योग बहुत सी जगह पर बच्चों को बलवान भी बनाता है, शिक्षित भी बनाता है और समृद्धशाली भी बनाता है। आप मांगलिक दोष से घबराइए मत, ये योग है, इसको योग समझकर चलिएगा तो निश्चित ही आपको इसका फल भी प्राप्त होगा। यदि आपने मानसिक रूप में इसको दोष की संज्ञा दे दी गई है तो मित्रों, इसका केवल दोष ही आपको, दूषित प्रभाव ही देखने को मिलेगा,
क्योंकि ईश्वर ने हमारे जीवन में हमारी मानसिक स्थितियों के अनुसार हमारे आसपास सुख की रचना की है। ये दोष, ये योग प्रभावहीन कैसे होता है यदि मंगल वक्री है और यदि वह किसी शत्रु राशि का है तो भी वह दोष प्रभावहीन हो जाता है। जी हां, क्योंकि आप लोग ये चीज नहीं जानते हैं, बस आपने ये पंडित जी ने आपको ये बता दिया या आपने नेट के माध्यम से ये चीज जान लिया कि मेरे इन स्थानों में मंगल बैठा हुआ है तो मैं मंगलिक हूं। लेकिन इस मंगलिक दोष को कटने के कई ऐसे संयोग भी आपकी कुंडली में पैदा होते हैं, और यदि कोई बच्चा पूर्ण रूप से मंगलिक भी है तब भी उसका विवाह जरूरी नहीं है कि वो मंगलिक से ही हो। यदि कुंडली का मिलान अच्छी तरीके से किया जाए तो आवश्यकता नहीं है कि दोनों का मंगलिक होना। यदि दोस्तों लड़के की कुंडली में जहां पे मंगल बैठा हुआ है वहीं पे यदि लड़की की कुंडली में शनि या सूर्य उपस्थित है या राहु उपस्थित है तो विवाह में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, मांगलिक दोष प्रभावहीन हो जाता है, सॉरी मांगलिक योग प्रभावहीन हो जाता है, विवाह में कोई विलंब नहीं है, विवाह कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि लड़की की कुंडली में जहां पर मंगल उपस्थित है और वहीं पर लड़के की कुंडली में यदि सूर्य राहु शनि उपस्थित है तो विवाह किया जा सकता है, विवाह में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं है, ना ही किसी उपाय की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा यदि कुंडली में मंगल मेष राशि का लग्न में उपस्थित है, वृश्चिक राशि का चतुर्थ भाव में है और वृष राशि का सप्तम भाव में, मीन राशि का सप्तम भाव में, मकर राशि का सप्तम भाव में, कर्क राशि का अष्टम भाव में और कुंभ राशि का अष्टम भाव में, वृश्चिक राशि का यदि 12वें भाव में और धनु राशि का यदि 12वें भाव में मंगल है तो मांगलिक योग प्रभावहीन हो जाता है, विवाह में किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं है। और विवाह में केवल परेशानियां, वैवाहिक जीवन में परेशानियां केवल एक ही योग को लेकर नहीं उत्पन्न होती हैं, नाड़ी दोष है इसके कारण भी विवाह में समस्याएं आती हैं, विचारों में मतभेद पैदा हो जाते हैं, भ्रूकुटी दोष है संतान के लिए परेशानी देता है, तो बहुत से ऐसे और अन्य भी योग होते हैं कि केवल विवाह जो है मांगलिक से ही मांगलिक का होना जरूरी है। इस डर को आप अपने अंदर से निकालिए और विवाह करते समय किसी योग्य ब्राह्मण से कुंडली का विश्लेषण करवा के विवाह के नेम को रखिए तो किसी भी प्रकार का कोई विघ्न कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये चीज तक नोट की है कि 36 गुणों वालों का विवाह भी खंडित हुआ है जिसमें मांगलिक दोष का कोई प्रभाव नहीं था, लेकिन मांगलिक दोष को जो प्रकृति में प्रस्तुत किया गया है अधूरे ज्ञान के कारण, जिस तरह से मांगलिक दोष को प्रस्तुत किया गया है तो ऐसा लगता है कि केवल मांगलिक विवाह जो खंडित होता है वो केवल मंगल के कारण ही होता है, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे संयोग भी हैं कुंडली के अंदर जो मंगल के साथ साथ में, जैसे दोष उत्पन्न हुआ है बच्चा पैदा हुआ तो उसी के साथ साथ में मांगलिक दोष मांगलिक योग प्रभावहीन हो जाता है, बहुत से ऐसे संयोग बनते हैं। दोस्तों मेरा अनुमान है, ये जहां तक मैंने ज्योतिष पर रिसर्च की है, ज्योतिष का अध्ययन किया है, कि यदि 100% लोग मांगलिक पैदा हो रहे हैं तो उनमें से केवल 5% ही पूर्ण रूप से मांगलिक होते हैं। 95% ऐसे हैं जो मांगलिक पैदा हुए हैं और साथ के साथ में उस दोष से उस योग से मुक्त हो चुके हैं। जब ऐसा है तो फिर इसको हवा क्यों बनाया जाए, इसको मानसिक रूप से लोगों को प्रभावित क्यों किया जाए,
अधूरा ज्ञान केवल विनाश की तरफ लेके जाता है। अगर इस जानकारी से आप लोगों का भ्रम दूर हुआ है तो ये जानकारी आप और लोगों तक भी पहुंचाएं, अपने सनातन धर्म का प्रचार करें, क्योंकि इन छोटी छोटी त्रुटियों के कारण, इन छोटे छोटे भ्रम के कारण अन्य धर्मों के लोगों ने सनातन धर्म को मजाक का रूप दे दिया है कि आपके में ये हो जाता है, आपके में वो हो जाता है। अनेकों प्रकार के जो डर हैं वो उत्पन्न किए जाते हैं केवल हमारे धर्म की छवि को खराब करने के लिए। इस छवि में सुधार किया जा सकता है दोस्तों आप सबके सहयोग से। प्रत्येक इंसान का योगदान बनता है धर्म की स्थापना में, धर्म को सही रूप देने के लिए, सही ज्ञान का प्रचार करने के लिए, और वो केवल आप एक शेयर करने से ही अपना योगदान दे सकते हैं। और इतनी जानकारी के बाद भी यदि आप कहीं पर भ्रमित हैं तो आप हमें अपनी कुंडली व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जैसा ईश्वर इच्छा होगी, जितना ज्ञान गुरु आज्ञा से हमें प्राप्त हुआ है उस ज्ञान के आधार पर हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम आपके जो है भ्रम को दूर करने का प्रयास करें। इस मांगलिक दोष को मत लीजिए, इसको योग की तरह लीजिए, आपकी तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। यदि जब मंगल के संयोग को ही दुर्भाग्य का रूप दे दिया जाएगा, दोष का रूप दे दिया जाएगा, तो मंगल अपना प्रभाव कुंडली में क्या दिखाएगा। दोस्तों मैं आपके ज्ञान के लिए बताना चाहूंगा कि ग्रह सहदेव हमारी मानसिक स्थिति के अनुसार ही हमें फल प्रदान करते हैं। जितना हम नेगेटिव रहेंगे उतना ही हमें नेगेटिव फल प्राप्त होंगे, और जितना हम पॉजिटिवता अपने अंदर लेके आएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर किसी नए विषय पर कोई सुंदर जानकारी आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय गौ माता की, जय भारत माता की। खुश रहिए और सभी के साथ प्रेम के साथ, आनंद के साथ जीवन व्यतीत कीजिए। माँ भगवती की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। जय गौ माता की, जय भारत माता की।